हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी थेरोसिक्स, वेयर ट्रूथ एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है टर्किश कॉफ़ी कप प्रेडिक्शन। तो ये बहुत ही पुराना टेक्निक है प्रेडिक्शन का, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि यूनिवर्स स्पिरिट्स आपको क्या कहना चाहते हैं, व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ, आपको क्या अभी सुनने चाहिए। नाउ ये जो मैसेजेस है ये रिलेटेड हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से, आपके निजी जिंदगी से, आपके करियर से, आपके स्टडीज से, कुछ भी हो सकता है, आपके बिजनेस से भी हो सकता है, फाइनेंशियल रिटर्न से भी हो सकता है, कुछ भी मैसेजेस हमें मिल सकते हैं, गाइडेंसेस हमें मिल सकते हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यहाँ पे ऑलरेडी मैं जो कॉफी कप प्रेडिक्शंस मैं करती हूँ, सो ऑलरेडी इससे भी पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया है किस तरह से किया जाता है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। आप पिछला जो वीडियोस है उसको देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो टाइमलेस प्रेडिक्शन, वो भी सारे वीडियोस जो थे वो टाइमलेस ही थे। ओके, सो इसके अलावा मैं सैंड प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, ठीक है, कॉफी कप प्रेडिक्शंस तो मैं कर ही हूँ, ठीक है, उसके साथ साथ कैंडल वैक्स प्रेडिक्शंस एज वेल एज टैरो प्रेडिक्शंस, रोज पेटल्स एज वेल एज टीका प्रेडिक्शंस एंड हनी प्रेडिक्शंस। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज कि क्या यूनिवर्स स्पिरिट्स आपको बताना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल सुनने चाहिए, क्योंकि ये सारे मैसेजेस सुनने के बाद आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होंगे एंड आपको ऑफ कोर्स गाइडेंस मिलेगा और आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या है। ओके, सो इट्स अ फ्यूचर रिलेटेड प्रेडिक्शन। ओके, सो यहाँ पे क्या है, आई हैव इम्पोर्टेड द टर्किश। इस बार मैंने जो कॉफ़ी इम्पोर्ट किया है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना, एक्स्ट्रा डार्क है। सो लेट्स सी, ये ऑर्डिनरी कॉफी नहीं है, दिस इज अ टर्किश कॉफी। ओके, सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है हॉट वाटर। नाउ यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज बताइए व्हाट यू वांट टू स्पीक। नाउ इसको हमें इन्फ्यूज़ करने देना है 2 से 3 सेकेंड तक, सो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Oh wow, that's amazing. ठीक है, अभी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, alright, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप ना currently हो सकते हैं, या यहाँ पे एक फेदर नज़र में आ चुका है मुझे, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल्स है, या आप बोल सकते हो दिस इज़ लाइक अ फेदर। यहाँ पे अगर आप देखो, इसको इमेजिन करो, इट्स लाइक अ फेदर, इट्स लाइक अ क्रॉस। तो यहाँ पे जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वी लेटर यहाँ पे है, यू लेटर है यहाँ पे, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जेड है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो चिड़िया है, यहाँ पे ईगल है, और यहाँ पे एक फिश है जिसका फिन्स भी बना हुआ है, पूंछ भी बना हुआ है। एक एक पर्सन को एक एक तरह दिखाई देगा। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जो वल्चर या ईगल आया है या उसके साथ जो फिश आया है, सो यहाँ पे जिस तरह से मैं आपको बता सकती हूँ, जो मैं पहले कंडीशंस बता देती हूँ, कुछ लोग ऑलरेडी मुझे लग रहा है किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत ही ज़्यादा वक्त जो है ना किसी के ऊपर अननेसेसरी इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, और अभी आप फिलहाल इनका इंतज़ार कर रहे हो उनके तरफ से रिस्पॉन्स का, उनके तरफ से कुछ इनिशिएटिव का कि वो आपके लिए एक स्टेप ले। इससे क्या हो रहा है ना, आपका एनर्जी जो है ना, आपका करंट एनर्जी जो है ना, वो ड्रेन हो रहा है, ठीक है। ड्रेन हो रहा है मतलब क्या है, आप बोलोगे ड्रेन होने का मतलब क्या है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो,
ऐसा बिल्कुल है, आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए और इस रीडिंग को आप ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, ठीक है। ग्रेटिट्यूड शो करना है, थैंक यू यूनिवर्स लिखना है। ओके, सो यूनिवर्स या स्पिरिट गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं, ये जो मदर यूनिवर्स है ये आपकी माँ हो भी सकती है, ठीक है, इवन आपके फैमिली में आपके माँ हो सकती है, जो आपसे ना आपके हालात देख के, हो सकता है पास्ट में सिचुएशन हो चुका है या प्रेजेंट में हो रहा है, आपके हालात देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं आपको बोल रही हूँ। यहाँ पे मुझे एक फाइव ऑफ कप्स का एनर्जी यहाँ पे नज़र में आ रहा है, किसी को आप मिस कर रहे हो, ना उसके तरफ से कोई लेटर आ रहा है, ना उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ना कोई वो पर्सन जो है आपकी तरफ आगे एक्शन ले रहा है, यहाँ पे इनएक्शन बहुत ज़्यादा है, और आपको लग रहा है कि अभी मैसेज आ जाएगा, अभी कॉल आ जाएगा, इसलिए आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी बार बार चेक कर रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी यू आर वेयरिंग ब्लैक और पर्पल कलर क्लोथ्स, मुझे दिखा। यहाँ पे ईगल आने का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंस है कुछ लोग के, यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइंस एनालाइज कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोगों का साइंस हो सकता है एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा हो, या हो सकता है पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो, सैजिटेरियस हो सकता है, वर्गो हो सकता है। यहाँ पे देखो ये जो इंसान, ये जो है ना, यहाँ पे एक चेन बना हुआ है, मे बी इन द फ्यूचर अगर हम आपके करियर का बात करें, यहाँ पे कोई चोटी बना हुआ है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसका फेस है ये और यहाँ पे चोटी बना हुआ है। इसका मतलब क्या है आपको पता है, आपने स्टार्ट किया था जीरो से और आप पहुँच रहे हो एम्परर की स्टेज तक, जहाँ पे आपके हाथ में जो है ना, यू आर सीइंग, ये एक ट्रॉफी है, ये एक अवार्ड है, ये एक रिटर्न गिफ्ट है फ्रॉम द यूनिवर्स, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप शिद्दत से अपना काम अगर आप कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, आपका इन फ्यूचर स्टेबिलिटी, ठीक है, कन्फर्मेशन है, ये यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है कि आपको उस चीज का अवार्ड जरूर मिलेगा। आप कोई डिनाई नहीं कर सकता इस पिक्चर से, दिस पर्सन चाहे वो मेल हो या फीमेल हो इज होल्डिंग समथिंग। और यहाँ पे मुझे इस तरह का इमेजिनेशन हो रहा है कि जीसस क्राइस्ट का भी यहाँ पे जो है ना इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिस इज लाइक दैट, जिस तरह से जीसस क्राइस्ट ने खुद को सेक्रीफाइस किया था लोगों के लिए, देखिए ह्यूमैनिटी के लिए, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं, ऑलरेडी यू आर इन द स्पिरिचुअल पाथ, आप लोग ह्यूमैनिटेरियन जॉब्स भी इन फ्यूचर करोगे, जहाँ पे आप लोगों की मदद करोगे और उससे आपको काफी ज्यादा रिटर्न्स आएगा, ठीक है, ब्लेसिंग्स आएगा। इवन आपके जो पास्ट कर्मज है वो भी काफी हद तक, जिस तरह से बोलते हैं ना कि कर्म, अगर हमने कुछ खराब भी किया है, अगर हम लोगों की मदद भी करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, बहुत हद तक वो हमारा हील भी हो जाता है। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि जिस तरह से आप किसी के ऊपर, ठीक है, आपने इतना ट्रस्ट किया, भरोसा किया रिलेशनशिप में, और आपने सोचा कि वो पर्सन आके कमिटमेंट दे देंगे, बट उल्टा ही हुआ, वो इंसान आपसे मे बी मूव ऑन कर गया है, ये एग्जिट कर गया है, बट कुछ लोगों के लिए वो इंसान आपके तरफ आना चाहते हैं। ओके, आई कैन सी इट लाइक, यहाँ पे देखो एक चिड़िया जो है ना, इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक फ्लाइट को दिखा रहा है, यहाँ से हम देखें तो इसको ये एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है कुछ कटाई करने का, ठीक है। तो ये जो है ना, ये चीज़ जो है ना, आप अपने लाइफ में और भी ज़्यादा मजबूत बनोगे और आपको वाकिफ होगा, यू विल बिकम अवेयर ऑफ द सिचुएशन। जिस तरह से बोला जाता है ना कि द टेम्परेंस कार्ड, द हाई प्रिस्टेस कार्ड इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, ठीक है, ऑफ इनसाइट, जहाँ पे साइकिक जो पावर्स है वो आपको मिलने वाले हैं। ये जो साइकिक पावर्स लोगों को नहीं मिलता है, उनके वजह से वो लोग भटक जाते हैं अपने रास्ते से, जो जहाँ पे पहुँचना होता है, जो जिस तरह से डिजर्विंग होता है, वो वहाँ पे नहीं पहुँचते, क्योंकि उनके अंदर साइकिक पावर्स ही नहीं होते हैं, या उनको गाइडेंस नहीं मिलता है सही समय पर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके दादाजी, आपके पिताश्री, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वो आपको कोई मेल फिगर, मे बी आपके ब्रदर, मे बी आपके बड़े भैया, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं, बट आपकी जो मम्मी है या आपकी जो बड़ी सिस्टर है, वो बिल्कुल आपके हालात जो है प्रेजेंटली उससे वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, आधा तो मैं बोल सकती हूँ वो नाराज़ है, या बोल सकते हो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो चाहते हैं, कोई भी माँ चाहेगी कि अपने संतान जो है उनको तरक्की करे, ठीक है, या हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो हो सकता है वो भटक चुके हैं, मे बी दे आर नॉट अलाइंड टू देयर गोल्स, तो आप दुखी हो रहे हो, ठीक है, उनका फ्यूचर को सोच के, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखने वाले हो,
बिकॉज इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल एज, ठीक है, कोई भी देख सकता है। जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो एक इंसान का यहाँ पे एक हैंग्ड मैन जिस तरह से आया है, यहाँ पे उसका हेड है और यहाँ पे इसका आधा शरीर है, तो दिस इज लाइक द हैंग्ड मैन, कि जहाँ पे ना ये जो मतलब आप कुछ भी सिचुएशन पे आप मे बी स्टार्ट करना चाहते हो कोई रिलेशनशिप, कोई प्रोजेक्ट, मे बी अननेसरी डिले हो जाता है। ये होता है क्यों आपको पता है? बिकॉज आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो। जस्ट लिव इट, लाइटली आप उसको लो, ठीक है, इतना ज़्यादा सीरियसली लेने का सवाल ही नहीं है, बट ज्ञान अर्जित ज़रूर करो, गैदर द इन्फॉर्मेशन किसी रिलेशनशिप से जाने से पहले भी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं। किसी रिलेशनशिप के जाने से पहले भी आप खुद अवेयर बनो। यहाँ पे ईगल क्यों आया है आप बताओ, यहाँ पे ईगल क्यों आया? ईगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड्स अमंग ऑल द बर्ड्स, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वही है और वो सबसे ज़्यादा उसके पास ना स्ट्रेटेजी है और वो सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट हंटर बर्ड भी है, उसको दूर से दिखाई देता है, उसका आई साइट भी अच्छा है सबसे। तो वो देखो यहाँ पे ईगल क्या कर रहा है, एक मछली को पकड़ रहे हैं, राइट? सो डेफिनेटली मछली यहाँ पे क्या है, द सिंबल फॉर लग्जरी, द सिंबल फॉर अबंडेंस, ठीक है, ग्रोथ, गोल्ड कॉइन्स, इसका प्रतीक माना जाता है। फिश बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं। अगर आपके पास एक फिश का कोई क्रिस्टल फिश है तो आप उसको रख सकते हो, ठीक है। एक बार आई वेंट टू मुंबई, वहाँ पे यस आई सॉ वहाँ पे फिश सोप भी मिलता है, ठीक है, पूरी तरह से फिश का आकार, और यहाँ पे कोलकाता में तो फिश का मिठाई है ही, फिश का शेप का, अगर कुछ भी फिश का शेप का आपको मिला, कुछ स्टैचूज या आप रख लो, ठीक है, अपने पास, बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास है, कुछ लोग के पास हो सकता है, मे बी यू हैव दैट एक्वेरियम, ठीक है, या हो सकता है आप कोई भी जगह पे विजिट करो, वहाँ पे एक्वेरियम या फिशेस आपको दिखे, फिश टैंक, मे बी फिश बिजनेस आप कर सकते हो इन फ्यूचर, इट इज़ पॉसिबल, फिश कल्चर, बहुत सारे लोग बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकता है आपके राशि, हो सकते हैं अनुराधा नक्षत्र हो सकता है कुछ लोग का, यहाँ पे मुझे लग रहा है विशाखा नक्षत्र तो होगा ही होगा कुछ लोग का यहाँ पे। कुछ लोग अगर हम मैं हेल्थ इश्यूज देखूँ तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज जो है यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, बट स्टिल मैं बोलना चाहती हूँ बेसिकली आपको क्या करना है, अपने डाइट के ऊपर आपको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, यू नीड टू हैव लाइट फूड इन योर डाइट, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फास्ट मूविंग हॉर्स भी दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट तभी हो पाएगा जब आप पीछे से मूव ऑन कर रहे हो। मूव ऑन करने का मतलब है, तो आप लोग बोलोगे आप लोग क्या रटाते रहते हो, मूव ऑन करना, किस चीज़ से मूव ऑन करना? मूव ऑन करना है उस चीज़ से जो आपके लिए बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है, जो आपके लिए बिल्कुल वो काम नहीं दे रहा है ना। सपोज यू आर डूइंग अ जॉब, ठीक है, करेंटली आप एक जॉब कर रहे हो और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आपका, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो या आपका स्टडीज़ कर रहे हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, बट उसका जो आनंद है, जो मज़ा है, वो आपको आ नहीं रहा है, तो उसका फ्यूचर भी, उसका कोई भरोसा ही नहीं है, उसका ज़ीरो ही फ्यूचर होगा। इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा एंग्जाइटीज़, तो उससे क्या होता है, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, 3333333 हो सकता है, मे बी किसी का हो सकता है कि मार्च महीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स तो नहीं, तो कुछ ही महीने के अंदर, ठीक है, मैं नहीं बोल सकती कि 3 वीक्स, बट 3 मंथ्स के अंदर बहुत कुछ प्रोडक्टिव आप देखोगे। कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन ट्रेवल्स करोगे और आपका जो जितना भी ख्वाहिश था, ठीक है, आप लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो फॉर्मेलिटीज़ भी पूरा करोगे, आपको लगेगा कि क्यों आप आनंद नहीं ले सकते, क्यों आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते लोगों की जैसे, आप कर सकते हो डेफिनेटली। यहाँ पे द लेटर वाई हैज़ ऑल्सो कम, ठीक है, यहाँ पे मैसेजेस आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेल्स अगर इम्पोर्टेंट लेटर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई यहाँ पे इस जगह पे जाने वाले हैं जो सनसेट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आप सनसेट एंजॉय करो, आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करो, इन द नियर फ्यूचर आई कैन सी दैट प्रॉपरली, ओके, आई कैन ईजिली विजुअलाइज, अब विजुअलाइज में मुझे करना आ रहा है अब, ओके। समवन मे बी आप लोगों का कुछ हैबिट्स हो सकता है, मेल या फीमेल जो भी हो, मे बी यू स्मोक और यू मे ड्रिंक मे बी, बट वो हैबिट्स जो है ना धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, ओके।
यहाँ पे लव भी बन रहा है, यहाँ पे बार बार मुझे यहाँ पे सेजिटेरियस का वाइब्स आ रहा है। तो बहुत कुछ टारगेट, अगर आप कोई टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स कर रहे हो जहाँ पे आपको कुछ टारगेट फुलफिल करना है, तो वहाँ पे भी आपका सक्सेस होगा। अगर आप किसी के ऊपर आपका नज़र है तो हो सकता है कि वो आपके लाइफ में, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रहा है, नई शुरुआत। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन बोलो या रीजनरेशन बोलो, ये कम दिखाई दे रहा है, हो भी सकता है, बट देर इज ऑलवेज अ न्यू स्टार्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। बिकॉज यहाँ पे देखो, एक यहाँ से शुरू हुआ ये चेन और ये ऊपर उठ रहा है और इसके हाथ में ट्रॉफी है, सो यू आर डेफिनेटली गेटिंग द अवार्ड। ये भी एक स्टार कार्ड के जैसा आया, ठीक है, जहाँ पे आपके हाथ में एक ट्रॉफी, आप जीत हासिल कर रहे हो, अपने कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों के सामने साबित कर रहे हो कि आपके अंदर भी सब कुछ है, ठीक है, सो यू आर मूविंग अहेड। यहाँ पे कुछ घास जैसा मुझे दिख रहा है, सो मे बी आपके कारपेट हो सकते हैं, मे बी दे लुक लाइक ग्रास, या आपके आसपास बहुत ज़्यादा घास हो सकते हैं, ठीक है, ट्रिम्ड हो सकता है कि आप लोग गार्डनिंग करते हो उसको ट्रिम्ड रखते हो। वर्गो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पाइशिस। ओके, यहाँ पे कोलैबोरेशन भी दिखाई दे रहा है किसी के साथ, देखो यू आर जॉइनिंग हैंड्स, ओके, आप किसी के साथ डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस या हैंडशेक कर रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, किसी के साथ न्यू मीटिंग अरेंज हो रहा है। ओके, देख लेते हैं यहाँ से अगर कुछ आता है तो। बहुत ज़्यादा चैनलाइज्ड मैसेजेस मुझे यहाँ पे आ रहा है। बेसिकली ना मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे जो है ना, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे एच लेटर फिर से आ रहा है, एच है, के है, यू है, वी है, एक्स है, जो भी है मुझे दिख रहा है यहाँ पे ना, इट्स लाइक अ चेन, यहाँ पे सेवन है, यस दिस इज अ सेवन नंबर, सेवन इज देयर, ओके, वन इज देयर, 17, सो इट्स कम्स टू द स्टार कार्ड। कुछ क्वेश्चन मार्क्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पे देखो इज अ क्वेश्चन मार्क, तो कुछ सवालों के जवाब शायद आपको नहीं मिल रहा है, बट इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू डेफिनेटली हैव दैट, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है ना यहाँ पे कि अगर आप प्रेजेंटली सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप सिर्फ अकेले हो और आपको कोई भी मदद करने के लिए नहीं है, ठीक है, तो इन द फ्यूचर मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, सपोर्टिंग फ्रेंडशिप्स हो सकता है, कोऑपरेटिव नेटवर्क हो सकता है, सोसाइटी जहाँ पे आप रहने के लिए जाओगे इन फ्यूचर, उनका हो सकता है कि आपके कल्चर या लाइफस्टाइल से अलग हो, मे बी रहन सहन उनका अलग हो सकता है, अलग राज्य हो सकता है, अलग डेफिनेटली रीजन हो सकता है, डेफिनेटली कंट्री हो सकता है, देश हो सकता है, बट वो लोग बहुत ज़्यादा आपको सहायता करते हुए दिखाई दे रहा है, मे बी गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट हो सकता है आपको सहायता कर रहे हैं, तो इस तरह से मुझे दिख रहा है। अगर गवर्नमेंट मेरे मुंह से निकला है तो गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अपने कंट्री का, अपने देश का या दूसरा देश का, जहाँ से आपको सहायता ज़रूर मिलेगा अगर आप कोई डेंजर में भी पड़ोगे इन फ्यूचर, सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सपोर्ट यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर है। अभी हम क्या करेंगे आपको पता है, आई विल जस्ट वेरीफाई विद द कार्ड्स, मैं कार्ड्स के साथ थोड़ा सा देखना चाहूँगी यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। ओके, इसको मैं जितना भी इसको रखूँ ना, ये इधर उधर ही हो जाता है। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए प्लीज कुछ मैसेजेस बताइए, कुछ मैसेजेस। यू लव दिस हाउस, मुझे बहुत पसंद है ये। वाओ, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग ऑलरेडी आंसर्स के बारे में आपको पता है, क्या उसका आंसर होगा, येस और नो। जब मैं शुरुआत कर रही थी रीडिंग तब भी मैंने आपको बताया कि कुछ सवालों के जवाब हो सकता है कि आप ढूंढ रहे हो, तो मुझे लग रहा है, तो अभी तो लग रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हो उस सवाल के जवाब को। प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर कीजिए कि किस चीज़ को आपको लगता है। यहाँ पे देखो ट्विन फ्लेम बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता तभी अच्छा होता है जब एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते, तब वो रिश्ता नहीं है। चैलेंजिंग मतलब ये नहीं है कि रिवेंज लेना,
कि आपके साथ आपको इंसल्ट करना पब्लिक में, नो, दैट इज़ नॉट अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तब होता है जब दोनों की तरफ से एक का आंसू गिर रहा है और यहाँ पे जो है ना इसको कंफर्ट दे रहे हैं, तब वो जाके होता है। चैलेंज मतलब आपको प्रोत्साहित करना कि आप और कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह से मॉम एंड डैड हमें करते हैं कि क्यों नहीं कर सकते, वो खुद हमारे लिए जैसा होता है ना कुछ कंपटीशंस में, कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, एक फ्रेंड, एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप डेफिनेटली, ठीक है, कुछ लोगों के लिए है, जहाँ पे आपको भी अपने अंदर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को भी बैलेंस करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हो तो थोड़ा सा आप इमोशनली लोगों के लिए एम्पैथेटिक होके सोचो, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सोच रहे हो तो डेफिनेटली लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा लॉजिकली, ठीक है, यूजिंग योर इंटेलेक्ट ये सोचना है। देखा, मैंने आपको बताया था कि आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो, देखो यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ दिस पार्टनर, और इसके वजह से आपका हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है, आपका स्किन ग्लो कम हो रहा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हो, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं होगा फिर, ठीक है, और आपने सब कुछ दे दिया इस इंसान को पास्ट में, अपना खुद को आपने समर्पण किया था इस इंसान को, यह अभी यूनिवर्स के ऊपर है, इस इंसान एक आपके लाइफ में एक कार्मिक सोलमेट है या एक रियल सोलमेट है, दैट डिपेंड्स, ओके, बिकॉज इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट मे और मे नॉट रेजोनेट। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट। ये इंसान से जो मैसेजेस आ रहे हैं ये आपके पास्ट के भी हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपका सीक्रेट एडमायरर भी है, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो इंसान जो है आपके लिए लव, लाइट, सिर्फ लव नहीं, रोशनी भी आपके ज़िंदगी में लेके आएंगे, और इसके वजह से जो भी, देखो, क्लाउड योर विजन, जो भी आपके विजन्स को रोक रहे थे, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, क्लियर दिख नहीं रहा था, जिस तरह से अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लोड शेडिंग हो जाए घर में तो दिखाई देता है क्या, देखना तो कभी, सब कुछ दिखाई देता है कि नहीं, ठीक है, तो उस तरह से ये इंसान ज़िंदगी में रोशनी बन के आएंगे, ओके, एंड यू विल डेफिनेटली एन्जॉय, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड आई होप यू लाइक इट, सो इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो ऑरेकल्स, बट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस गाइज, एंड प्लीज डू क्लेम द रीडिंग, ओके।